सिंगरौली में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने विरोध में चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देते हुए परिजनों को शांत कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुडार चौकी अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और सड़क में चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देते हुए युवक की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। युवक का नाम अरुण विश्वकर्मा है, वो खुटार का रहने वाला था। अरुण संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला, जहां से उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खुटार पुलिस को 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि माड़ा और खुटार के बॉर्डर पे कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल खुटार चौकी की पुलिस वहां पहुंची थी और उन्होंने घायल को अस्पताल, जिला अस्पताल भिजवा दिया था और उसकी मोटरसाइकिल को सुरक्षित रखवा दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में पतासाजी करने में पता लगा था कि उसका नाम अरुण विश्वकर्मा है और वो खुटार का रहने वाला है। और सुबह उसके उनके परिजनों ने उसी स्थान पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसकी मौत को पर हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए वहां पर जाम लगाया था थोड़ी देर के लिए। जैसे ही माड़ा पुलिस को पता लगा था, माड़ा TI साहब खुद मौके पर गए थे और उन्होंने समझाया दे दी कि अगर इस तरह का कोई तथ्य आता है PM में तो उस तरह के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। उस पर आश्वासन पर परिजनों ने वहां से मौके से जाम हटा दिया था और आवागमन चालू हो गया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और अगर तथ्य आता है कि जिस तरह का, उसी तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।